नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पे पर्सनल फॉलोअर कैसे लाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल करें। तो चलिए चलते हैं इंस्टाग्राम में। तो मैंने जैसे कि पहले से ओपन कर रखा था, तो हमें यहाँ पे अपनी फ़ोटो के आइकन पे क्लिक करना है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। नीचे में बिजनेस वाला आएगा तो उस पर नेक्स्ट करना है। इसके बाद जिस चीज़ की हमें इतनी देर से वो थी कि पर्सनल ब्लॉगर कैसे आएगा, वो आ चुका है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मूवी स्टूडियो वगैरह आ रहा है, तो हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए पर्सनल ब्लॉगर। तो ये देख सकते हैं पर्सनल ब्लॉगर आ गया है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन नंबर मांगेगा, बिजनेस एड्रेस मांगेगा, तो हम अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मुझसे पर्सनली बात करनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है, बट इसका मिसयूज ना करें, मतलब बेफालतू में कॉल ना करें, बस इतना कहना चाहूँगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, तो हमने सब कुछ एंटर कर दिया, बिजनेस एड्रेस मुझे नहीं डालना है, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। आप इस पर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने तो यहाँ पे डज नॉट यूज़ माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे भी कर सकते हैं। तो आप गो प्रोफाइल, ओके, गो प्रोफाइल पे आ गए, तो देख सकते हैं पर्सनल ब्लॉगर आ गया है। अब आप बोलोगे कि इसमें मतलब हमारा नंबर शो तो नहीं हो रहा, नहीं, हमारा नंबर शो नहीं होगा इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नंबर शो होगा और कहीं पे शो नहीं होगा। तो आप अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आया है, तो यहाँ पे आपका नंबर शो हो रहा है। अगर आपको ये नंबर नहीं शो करना है यहाँ पे, तो इसकी जगह मैंने जो आपको कहा था कि डज नॉट यूज़ माई अकाउंट वाला, उसके नीचे में जो ऑप्शन आ रहा था, आप उस पर क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। तो मैं भी इसे हटा दूंगा, वैसे मुझे भी सही नहीं लग रहा है, इसको मैं हटा दूंगा। तो इसको हम हटाना कैसे, मैं वो भी दिखा देता हूँ। कॉन्टैक्ट में जाना है, नंबर पे क्लिक करना है, और इसको मुझे हटा ही देना है, मतलब इसको मुझे रखना ही नहीं है, क्योंकि नहीं तो कोई भी मुझे मैसेज या कॉल कर सकता है। तो यहाँ से बस इसे सेव कर देना है, सेव कर दिया हमने, हमारा ईमेल एड्रेस दिखेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको बात करनी है कोई ईमेल करेगा डायरेक्ट, जैसे हमारा ईमेल आ गया, प्रमोट आ गया, या आ गया, ठीक, देख सकते हैं पर्सनल ब्लॉगर आ गया बहुत आसानी से। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने पर्सनल ब्लॉगर डबल टैप में ला दिया। तो अब इसके नुकसान क्या है, आप इसका पहला नुकसान है कि इसमें आप प्राइवेट अकाउंट नहीं बना सकते, उसे प्राइवेट अकाउंट की परमिशन नहीं देता है, बस यही एक प्रॉब्लम है। अगर आपका सोचते हो कि मेरा कोई फेक अकाउंट बना लेगा, मेरी फोटो चुरा सकता है, तो उसके लिए एक तरीका है, वो ये है कि आप क्या कीजिए कि अगर आपका कोई फेक अकाउंट बना लेता है तो उसे रिपोर्ट कीजिए, तो इंस्टा उसे एक या दो दिन के अंदर उस आईडी को ब्लॉक कर देगा। बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसको मतलब बिजनेस अकाउंट बना के अगर उसको हम प्रोफेशनल से हटके अगर बिजनेस अकाउंट में आते हैं और बिजनेस अकाउंट में पर्सनल ब्लॉगर लगाते हैं तो कोई हमारा फेक अकाउंट बनाएगा तो हमें कुछ मतलब कि कोई नुकसान होगा। अगर कोई बनाता भी है, अगर हम उसे रिपोर्ट करेंगे तो एक या दो दिन में वो मतलब सफाचट हो जाएगा, मतलब उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।